लेकिन तुम लोगों की छोटी सोच की वजह से ये सब हो रहा है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रचना पलक चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सुख शांति से ज़िंदगी कट रही होगी, अपनी लाइफ में खुश होंगे। बट मेरी ज़िंदगी लोग नहीं कटने दे रहे हैं सुख शांति से। पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ काफ़ी दिनों बाद अपना वीडियो शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ वीडियो बनाऊँ बट नहीं बना पा रही हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो वीडियो तो बनाना ही है और आप लोगों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। पहले तो मैंने सोच लिया था कि मुझे कोई भी वीडियो आज के बाद अब नहीं डालना है यूट्यूब पर, बट सब लोगों ने फिर मुझे समझाया, जो मेरी ही फ्रेंड है, यूट्यूब से फ्रेंड है, इंस्टाग्राम से हैं और यहीं पर भी रहते हैं, तो सभी ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना है, जब यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो डालो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आज बनाते हैं एक वीडियो, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो बात शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में लाइक बोल रही हूँ, मतलब सब्सक्राइब बोल रही हूँ, लाइक के लिए बता रही हूँ। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना हो तो आप लोग कर सकते हो, रचना पलक आईडी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को आईडी मिल जाएगी, सो प्लीज़ चेक कर लेना और मुझे फॉलो कर लेना। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी जो कि मतलब मुझे तो बहुत हर्ट होता है ये सब सुन के, बट कोई नहीं, मैं अब मैंने सोच लिया है कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, जो मुझे करना है वो मैं करूँगी, ठीक है। आपको जो बोलना है, क्या बोलते हैं ना लोग, अगर मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, वीडियो डालती हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। और ऐसे नहीं कि दूर के लोग बोलते हैं, जो मुझे ही जानने पहचानने वाले होते हैं वो ही बोलते हैं मेरे बारे में कि अरे तुम वीडियो डाल रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, सबको दिखा रही हो अपने घर में कैसे रहते हो, तुम ये दिखा रहे हो, या फिर कुछ भी करके कि तुम उधर जाके, अब गांव में रहते थे तो ये करती थी, साड़ी पहनते थे, अब उधर जाके सूट पहन रही हो, ये कर रही हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे भी तरीका से ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम कुछ उल्टा सीधा नहीं कर रहे हैं कि हम मतलब ढंग से कपड़े नहीं पहन रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं, सूट पहनते हैं, दुपट्टा रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बिना दुपट्टा के घूम रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो अगर हाँ, और रही बात वीडियो बनाने की, तो वीडियो आजकल कौन नहीं बनाता है, सभी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। मैं भी चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ और मैंने भी कोशिश की, अगर भगवान ने चाहा होता ना तो अगर मेरा चैनल बंद नहीं हुआ होता जो सबसे पहले वाला था, अभी तक क्या से क्या हो जाता उस पर, ठीक है। लेकिन जो चैनल मेरा बंद हो गया, मैंने दूसरा बनाया, इस पर भी कोशिश कर रही हूँ, अगर बढ़ जाऊँगी आगे तो बढ़ जाऊँगी, नहीं तो कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रही हूँ ना मैं। लेकिन लोग क्या बोलते हैं ना कि अरे घर का दिखा रहे हो, घर में कैसे रहते हो, घर की बात बाहर क्यों फैला रहे हो। तो यार एक बात बताओ, अयान मोमेंट ब्यूटी को तो सभी जानते होंगे ना, नहीं जानते हो तो जान लो, सर्च करना यूट्यूब पे अयान मोमेंट ब्यूटी, कितनी बड़ी यूट्यूबर हैं, वो भी हमारी यहीं की हैं, ठीक है, बुंदेलखंड की ही हैं। लेकिन आज उनके देखो कितने मतलब सब्सक्राइबर, 8 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं यार। वो भी प्रियादीप को तो सभी जानते हो ना, प्रियादीप एक मेकअप वीडियो का उनका मतलब मेकअप वीडियो डालती हैं एक चैनल पे, उनके दो दो चैनल चलते हैं, ठीक है, एक पे ब्लॉगिंग करती हैं, उनको तो कौन नहीं जानता यार, प्रियादीप को। तो समझो मेरी भी फीलिंग, समझो मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, इन्हीं दोनों को देख के मैं भी आगे आई हूँ, सिर्फ प्रियादीप और अयान मोमेंट ब्यूटी को देख कर ही मैं भी यूट्यूब पर आई थी। मैंने सोचा चलो मैं भी वीडियो बनाती हूँ और अगर ये लोग आगे गए हैं तो क्यों नहीं मैं भी जा सकती हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है, अगर सभी लोग सपोर्ट करेंगे, वीडियो फुल वॉच करेंगे, शेयर करेंगे तो आगे जा सकता है कोई भी इंसान। ऐसा कुछ नहीं है कि हम छोटे यूट्यूबर जो हैं, हम लोग गांव से हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ लेकिन तुम लोगों की छोटी सोच की वजह से ये सब हो रहा है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। जो गांव की औरत या गांव की लेडीज, जो बच्चे जो भी हैं, लड़कियाँ वगैरह, वो आगे नहीं बढ़ सकती सिर्फ तुम लोगों की सोच की वजह से। तुम लोगों ने क्या सोच रखा है, नहीं ये तो गांव की है तो ये नहीं ऐसा कर सकते, गांव के लोग सिर्फ साड़ी पहनते हैं, सूट नहीं पहन सकते, गांव के लोग सिर्फ साड़ी पहनेंगे, जीन्स नहीं पहन सकते, फ्रॉक नहीं पहन सकते, ऐसा क्यों है यार, ऐसा क्यों क्यों नहीं पहन सकते, हम लोग के इंसान नहीं है, नहीं पहन सकते। सिर्फ तुम लोगों की छोटी सोच की वजह से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अरे यार वो भी एक अयान मोमेंट ब्यूटी पे, मुझे तो इतना, मैं क्या बताऊँ रमा दी के ऊपर, मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो जब बोलती है ना कि बुंदेलखंड की, तो मैं भी समझती हूँ कि बुंदेलखंड क्या, मैं भी बुंदेलखंड की ही हूँ,
ठीक है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको ही देख के मैं यूट्यूब पर आई हूँ। तो प्लीज़ मुझे भी आगे बढ़ने दो, अगर सपोर्ट नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत करो, ठीक है, लेकिन अगर अच्छा नहीं बोलना चाहते हो तो बुरा भी मत बोलो मेरे बारे में। और मुझे पता है कि मुझे अपनी फैमिली सपोर्ट तो नहीं करती है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, बट मेरे हस्बैंड मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। और मैं लकी हूँ कि मुझे हस्बैंड के रूप में वो मिले। पता है मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि नहीं तुम वीडियो मत बनाओ, यूट्यूब पे मत डालो, इंस्टाग्राम पे मत डालो। मैंने इंस्टाग्राम के सारे वीडियो अपने डिलीट कर दिए, क्योंकि सिर्फ आप लोगों की छोटी सोच की वजह से, तो आप लोगों की सिर्फ एक छोटी सी सोच है जिसकी वजह से मैंने, अब मैं भी पता है मैं भी सोच रही थी कि रहने तो अब नहीं डालती हूँ वीडियो, बट सबने समझाया जो आगे बढ़ चुके हैं उन्होंने भी समझाया मुझे, तो मैंने बोला ठीक है। अगर इन्होंने भी बोला कि अभी एक काम करो, कुछ दिन के लिए बंद कर दो यूट्यूब वगैरह, अभी नहीं चलाओ, फिर इसके बाद जब नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना तो फिर वीडियो डालने लगना। मैंने सोचा ठीक है, फिर रात में इन्होंने ही बोला कि नहीं बनाओ वीडियो, जो कुछ भी कोई भी बोलेगा मैं देख लूँगा, ठीक है। लेकिन मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, नहीं हूँ तो मैं गलत, ठीक है। मैं वीडियो अगर डालती हूँ, अगर आप लोगों को सपोर्ट करना है तो करिए, नहीं करना है तो प्लीज़ मत करिए, लेकिन हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे उल्टा सीधा मत बोलिए, ठीक है। सिर्फ आप लोगों की सोच की वजह से कोई भी गांव का इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, छोटी सोच की वजह से। और मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहती, बस यही बोल रही थी, वीडियो पसंद आया हो सो लाइक कर देना, और अगर नहीं आया हो सो प्लीज़ डिसलाइक भी कर सकते हो आप लोग, आपकी मर्जी, आपको जो करना हो, ठीक है। Okay.